हेलो फ्रेंड्स, एमएच किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो मुंबई में तो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, तो मैं बनाने वाली हूँ दो तरह के रिफ्रेशिंग समर जूस। तो चलिए फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वाटरमेलन जूस बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे वाटरमेलन यानी कि तरबूज, 10 से 12 पुदीना की पत्तियाँ, 2 बड़े चम्मच शक्कर और आधे छोटे चम्मच काला नमक, और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेश वाटरमेलन जूस बनकर तैयार है। तो हम इसे एक ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ 1 ग्लास और इसमें डाल दूंगी 5 से 6 आइस क्यूब। अब इसमें जाएगा वाटरमेलन जूस। तो लीजिए दोस्तों, हमारा रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस बनकर तैयार है। तो इसे साइड रखते हैं और बनाते हैं हमारा दूसरा मिंट जूस। तो मैंने फिर से लिया है एक मिक्सी का जार और इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पुदीना के पत्ते, 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर और लेंगे 2 बड़े चम्मच शक्कर। फिर इसमें डालेंगे 3 से 4 आइस क्यूब और ठंडा पानी डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जूस भी बनकर तैयार है जो है मिंट जूस। तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फिर से मैं लूँगी 1 ग्लास और उसमें डालूंगी 3 से 4 बर्फ और मिंट जूस और डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी। तो लीजिए दोस्तों, हमारे दो तरह के रिफ्रेशिंग समर जूस बनकर तैयार है। तो सच मानिए दोस्तों, ये दोनों ही जूस गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ताजगी से भरपूर है। तो आप एक बार जरूर बनाइए और पीजिए। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।